अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अरुल सेब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जावास्क्रिप्ट पॉपअप बॉक्सेस। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट में पॉपअप बॉक्सेस हैं वो कितनी टाइप के हैं। बेसिकली जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में थ्री टाइप्स के डायलॉग बॉक्सेस आते हैं, इसमें एक है अलर्ट बॉक्स, कंफर्मेशन बॉक्स और प्रॉम्प्ट बॉक्स। अलर्ट डायलॉग बॉक्स क्या करता है, अगर हम यूज़र से इंफॉर्मेशन जो उसकी आ रही है उसको वैलिडेट करवाना चाह रहे हैं कि यूज़र जो है मेक श्योर हो कि वो इस पेज को गो थ्रू करना चाह रहा है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग अलर्ट डायलॉग बॉक्स को यूज़ करते हैं। या हम अलर्ट मैसेजेस को शो करवाना हो तो उसके लिए हम लोग अलर्ट डायलॉग बॉक्स को यूज़ करेंगे। और जब यूज़र इसकी ओके पे क्लिक करेगा तो देन जो फर्दर प्रोसीजर होगा वो प्रोसीड होगा। इसकी एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि अलर्ट बॉक्स कैसे वर्क करता है। इसके लिए मैंने एक स्क्रिप्ट टैग लिखा है जिसमें मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है वॉर्न के नाम से, और उसमें मैंने एक अलर्ट जो है वो शो करवाया है। अलर्ट में मैंने कह दिया दिस इज़ अ वार्निंग मैसेज, एक स्ट्रिंग पास किया इन्वर्टेड कॉमास में। तो जब इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं तो वो हमारे पास एज अ स्ट्रिंग एक्ट करती है, तो उसको मैंने अलर्ट या विंडो डॉट अलर्ट भी लिख सकते हैं, विंडो डॉट अलर्ट और सिंपली अलर्ट भी लिख सकते हैं। और एक मैंने इसमें प्रोसीजर यूज़ किया वो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जिसमें मैंने कहा है कि दिस इज़ अ वार्निंग मैसेज। अब ये जो फंक्शन है ये मैंने कॉल किया है, एक फॉर्म मैंने क्रिएट किया और उसमें मैंने इनपुट टाइप बटन लिए और उसमें मैंने वैल्यू की जो उसकी मैंने पास की वो है क्लिक मी। जब हम इसे क्लिक करेंगे तो फिर मेरे पास ऑन क्लिक के ऊपर जो मेरा फंक्शन कॉल होगा वो वार्न ये वाला फंक्शन कॉल होगा, मैंने यहाँ ऊपर स्क्रिप्ट टैग में डिक्लेयर किया है। मेरा फंक्शन यहाँ पर डिफाइन है वार्न, तो यहाँ पर मैंने कॉल किया है ऑन क्लिक के ऊपर। फंक्शन कॉल करने का तरीका ये है कि फंक्शन नेम, उसकी पेरेंथेसिस और सेमीकोलन हम यूज़ करेंगे। अब इसकी आउटपुट चेक करेंगे। जब इस हमने इस बटन को क्लिक किया तो मेरे पास एक वार्निंग मैसेज शो हुआ है, और जब मैं इसे ओके करूँगी देन मेरे पास जो मैसेज आएगा वो वार्निंग मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा जो इसकी बॉडी में डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू आ रहा था। नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स, जिसमें हम देखेंगे कि कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स क्यों यूज़ करेंगे और इसको यूज़ करने का क्या वे है। जो हमारे पास कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स होता है वो मोस्टली जो यूज़र से हम लोग उसकी ऑप्शन सेलेक्ट करवाने के लिए उसको यूज़ करते हैं। जब ये हमारे पास बॉक्स डिस्प्ले होता है तो उसमें हमारे पास दो ऑप्शन होती है, ओके की और कैंसिल की। अगर हम चाहते हैं कि यूज़र अगर जो यूज़र है वो क्लिक करता है ओके बटन पे तो जो हमारे पास विंडो मेथड होगा वो कंफर्म करेगा उसकी जो वैल्यू होगी वो ट्रू होगी, और अगर जो यूज़र है वो क्लिक करता है कैंसिल बटन के ऊपर तो वो जो हमारे पास विंडो जो कंफर्मेशन होगी वो हमारे पास रिटर्न आ जाएगी फॉल्स। तो अगर यूज़र ने इसके ओके के ऊपर क्लिक किया तो देन जो फर्दर प्रोसीजर है वो प्रोसीड होगा, अदरवाइज वो हमारे पास जो नेक्स्ट पेज है या हमारे पास नेक्स्ट प्रोसीजर है वो कंटिन्यू नहीं होगा। इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। जब इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, ओके और कैंसिल। मैं कैंसिल पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर ये आ रहा है यूज़र डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू, लेकिन अगर मैं इसको दोबारा रीलोड करूँ और दोबारा क्लिक करूँ ओके करूँगी तो देन मेरे पास मैसेज जो शो होगा वो होगा यूज़र वॉन्ट्स टू कंटिन्यू। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स। प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स को हम कब यूज़ करते हैं, ये उस वक्त यूज़ किया जाता है जब यूज़र से हम लोग इनपुट जो वैल्यू है वो लेना चाह रहे हो, पेज में एंटर करवाना चाह रहे हो, यानी कि एक यूज़र से हम लोग वैल्यू लेके उसके ऊपर कोई ऑपरेशन जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं, देन हम प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स को यूज़ करते हैं। जो हमारे पास प्रॉम्प्ट बॉक्स होता है इसमें हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं ओके और कैंसिल की। अगर यूज़र जो है ओके के ऊपर क्लिक करता है तो हमारे पास बॉक्स जो है उसमें इनपुट वैल्यू एंटर हम कर सकते हैं, बट अगर जो यूज़र है वो कैंसिल के ऊपर क्लिक करता है तो जो बॉक्स होता है वो रिटर्न करता है हमारे पास नल वैल्यू।
इसकी अगर एग्जांपल को देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन है, उसमें मैंने एक वेरिएबल ये है टेक्स्ट और एक वेरिएबल ये है पर्सन। पर्सन में मैंने जो मैंने पर्सन वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है उसमें मैंने प्रॉम्प्ट के थ्रू मैंने कहा है प्लीज एंटर योर नेम, और बाय डिफॉल्ट मैंने एक नेम यहाँ पर एंटर कर दिया। इफ पर्सन इज इक्वल टू नल, फिर यहाँ पर्सन की वैल्यू जो है स्ट्रिंग एम्प्टी होती है, ये नल होती है, तो जो टेक्स्ट होगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा, यूजर कैंसिल द प्रॉम्प्ट। तो टेक्स्ट में ये वैल्यू आ जाएगी इस वेरिएबल में यूजर कैंसिल द प्रॉम्प्ट, यानी कि जो मैंने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया उसकी वैल्यू मैंने इनिशियलाइज किया है यूजर कैंसिल द प्रॉम्प्ट। एल्स में क्या होगा कि टेक्स्ट जो मेरे पास वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसको मैं असाइन कर रही हूँ हेलो एक स्ट्रिंग, प्लस कंकेटिनेट करने के लिए यहाँ पर प्लस का जो साइन है वो कंकेटिनेशन के लिए है, और जो पर्सन में वैल्यू आएगी यूज़र से, यानी कि जो यूज़र अपना नेम एंटर करेगा वो पर्सन वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, उसको कंकेटिनेट करेगा हेलो के साथ, देन अगेन कंकेटिनेशन साइन प्लस का आएगा, और फिर एक स्ट्रिंग हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखी है हाउ आर यू टुडे। इसके बाद हम सेमी कॉलन लगाएंगे और इसको हम करवाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। जो मेरे पास आईडी ऊपर एक पैराग्राफ में बनी हुई डेमो उसमें हम इसको राइट करवा देंगे। इस एग्जांपल को भी इंप्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पर पहले मैंने एक हेडिंग रख लिया जावास्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट की, और एक मैंने बटन जो है वो लिया और उसे मैंने कहा है ऑन क्लिक के ऊपर कौन सा फंक्शन कॉल हो, माय फंक्शन जो मैंने नीचे स्क्रिप्ट में डिफाइन किया है, और इस बटन में मैंने जो टेक्स्ट शो करवा दिया वो ट्राइड करके करवा दिया। एक पैराग्राफ लिया है जिसकी आईडी डेमो रखी है, जो मेरे पास जो भी टेक्स्ट डिस्प्ले होगा वो इस पैराग्राफ में होगा, जो भी हमारे पास स्क्रिप्ट के थ्रू हमारे पास जो भी आउटपुट आएगी वो इस पैराग्राफ में राइट की जाएगी। इसकी आउटपुट चेक करते हैं, तो मैं इस बटन पर क्लिक करूँगी, यहाँ पर मेरे पास बाय डिफॉल्ट नेम आ रहा है। अगर मैं इसको ओके कर देती हूँ तो यहाँ पर जो मैंने नेम ऑलरेडी एक स्ट्रिंग पास की हुई थी वो एज इट इज़ शो हो गई है, बट अगर मैं यहाँ पर नेम चेंज कर देती हूँ और देन मैं ओके करती हूँ तो मेरे पास ये जो है नेम अब मेरा प्रिंट कर रहा है। तो इस तरह हम जो हमारे पास प्रॉम्प्ट बॉक्स है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं।